हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। मैं हूं नवाब साकिब इब्राहिम, आपका अपना डायरेक्टर इमेज क्लासेस। और इस वीडियो को आप थोड़ा सा खासकर ये बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम लेकर के आए हैं अपना सेकंड मेगा रिक्रूटमेंट फॉर द टीचर्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। एज यू हैव हर्ड, अगर आपने सुन लिया होगा कि फाइनली इमेज क्लासेस ने डिसाइड कर लिया है बच्चों के और पेरेंट्स के। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, बड़ी डिमांड थी कि सर 10th तक ही क्यों आप, जब क्लास 8th 9th 10th दे रहे हैं, हमारा बच्चा 8th से आपसे जुड़ा हुआ है, 10th तक अभी कर लिया है, तो हम चाहते हैं कि बच्चा वो आगे तक जाए। तो इसलिए हम लोग फाइनली ने, हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर क्लास 11th एंड 12th। एज यू हैव सीन इन दिस वीडियो कि वी आर सून गोइंग टू लॉन्च आवर 11th एंड 12th। 11th एंड 12th की ऑलमोस्ट प्लानिंग हो चुकी है, लेकिन उसमें एक बुनियाद की कहते हैं एक रिक्वायरमेंट होती है हमारे मैजिशियंस की, जिसको हम इनडायरेक्टली, आप जो टीचर जानते हैं, हम अपने इमेज क्लासेस में उनको मैजिशियंस बुलाते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर सच में ऐसा एक जादू होता है जो बच्चों के दिलों और दिमाग में चढ़ जाता है कि ये टीचर बड़ा शानदार सब्जेक्ट का नॉलेज रखता है और आपको बड़ा शानदार क्लियर करता है। तो फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि अब हम सिर्फ एक बात बताता चले कि हम जैसे इमेज क्लासेस में अपने बच्चों को ऑल 6 सब्जेक्ट कवर करते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अलग अलग क्लास 6 से ही हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो जाते हैं। क्लास 6 का बच्चा हमसे फिजिक्स अलग टीचर पढ़ाता है, केमिस्ट्री अलग पढ़ाता है, बायोलॉजी अलग पढ़ाता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तो हम सारे 6 सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट होते हैं वो सब कवर करते हैं। इसी बात को लेकर के हमने कहा कि यार सिर्फ पीसीएम और पीसीबी 11th 12th में क्यों शुरुआत किया जाए, बच्चा सिर्फ आईआईटी और नीट के बारे में क्यों सोचे, क्यों ना वो आर्ट्स के बच्चा भी हमसे जुड़े, जो हमसे आर्ट्स के एंट्रेंस की जो तैयारी करता है बच्चा, वो फाइनली जाकर के किसी और जगह जाता है, उससे बेटर है कि आर्ट्स और कॉमर्स का बच्चा भी हमसे जुड़े। तो इसलिए हमने इमेज क्लासेस वालों ने, हमारी पूरी टीम ने ये डिसाइड किया है कि हम आपके लिए 11th एंड 12th रेगुलर के लिए आर्ट्स के लिए भी बैच, कॉमर्स के लिए भी बैच, PCM के लिए बैच और PCBB के लिए बैच लेकर आ रहे हैं। और इसमें खास बात, जैसा कि हम सारे सब्जेक्ट्स देते हैं आपको, ऑलमोस्ट मेन कोर सब्जेक्ट हम आपको क्लास 5th से लेकर 10th तक देते हैं, इसमें भी हम देने वाले हैं। अब उसको पढ़ाने के लिए हम सर्च में हैं उन मैजिशियंस का जो हमारे टीम का पार्ट बने। ऑलरेडी वी हैव डिसाइडेड विद आवर 11th फैकल्टीज, मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, 11th आर्ट्स एंड 12th आर्ट्स एंड कॉमर्स की फैकल्टी बड़ी शानदार, धासु, मजेदार फैकल्टी आपको आई है, कुछ उसमें आईआईटीएन भी हैं, और आपको बताता चलो बड़ा मजेदार है, आपको मैं बहुत जल्दी रिवील करूंगा उन फैकल्टी से। तो आर्ट्स और कॉमर्स की अलीगढ़ की बड़ी जानी मानी फैकल्टीज को मैंने हायर कर लिया है। रही बात PCM और PCB के लिए, तो बायोलॉजी की जो फैकल्टी है जो कि ऑलरेडी 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, दोनों के दोनों PhD होल्डर हैं, आपको पढ़ाएंगे, तो बायोलॉजी के लिए हम लोग डन हो चुके हैं। सो फार ये अराउंड 1 महीने से हमने अपने लोगों में, अपने कॉन्टैक्ट्स में ये ऑलरेडी पहले शेयर कर रखा था कि वी आर इन सर्च ऑफ मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फैकल्टी फॉर क्लास 11th एंड 12th। नहीं मिल पाया था, नहीं मिल पाया, तो फाइनली जाकर के हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि आप अगर सच में सक्षम हैं, आपको लगता है कि आप इमेज क्लास का पार्ट बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है कि आप 11th 12th में अगर मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ाते हो और आप एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं, हम ऐसे रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं कि आपको इंटरेस्ट है, आइए आप हमारे पास आ जाइए पढ़ा लीजिए, नहीं, वी विल लेट यू टू द 4 स्टेजेस। हम 4 स्टेजेस में आपको लेके जाने वाले हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो पहला रिक्रूटमेंट, क्योंकि आप लोगों ने अगर पहला ये वीडियो देखा होगा कि हम लोग रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो बड़ा शानदार है, हम 4 स्टेजेस में अपने टीचर को हायर करते हैं। और लास्ट टाइम जब हमने मेगा रिक्रूटमेंट निकाला था क्लास 5th से लेकर क्लास 10th तक के टीचर्स का, तो उस वक्त हमने 7 पोस्ट के लिए निकाला था और करीबन 150 से ज़्यादा टीचर्स ने अप्लाई किया था, तो जाकर के फाइनली काट करके हमने 7 बेस्ट टीचर को सेलेक्ट किया था। तो इस बार भी यही होगा कि हम आपको 4 स्टेजेस में ले जाएंगे। तो पहला स्टेज विल बी ICSAT, इमेज क्लासेस सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें हम आपसे पूछेंगे 50 सवाल आपके अपने सब्जेक्ट के, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। संडे के दिन इसका पेपर रखा गया है, ऑब्जेक्टिव प्रेस पेपर है, निगेटिव मार्किंग के साथ है, 1 सवाल 1 नंबर का है, 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग है। शाम में तीन से पाँच पेपर है, आपको आकर के पेपर देना है, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट हम लोग डिक्लेयर करेंगे 6th ऑफ फेब रात के 9 बजे। ठीक है, 2 दिन का वक्त हमें चाहिए कम से कम, क्योंकि मशीन से भी चीज़ें चेक होंगी। फिर हम इसका रिजल्ट भी ऐप में नहीं हम आपको यूट्यूब पे ही डिक्लेयर करेंगे, जैसे लास्ट ईयर भी हम लोगों, लास्ट टर्म में भी हम लोगों ने यूट्यूब पे डिक्लेयर किया था। उसके बाद अब आप जाएंगे स्टेज 2, 3 और 4 के लिए। तो जो भी बच्चा की आदत है, माता चाहूंगा, क्योंकि बच्चे बोल के ना बच्चा ही निकलता है, टीचर्स जो भी टीचर्स इसमें सेलेक्ट होंगे उनको हम ले जाएंगे स्टेज 2, 3 और 4 में, जहाँ पे स्टेज 2 में हम उनसे पहले डेमो करवाएंगे इन फ्रंट ऑफ आवर मेन पैनलिस्ट, जो सब्जेक्ट एनालिटिक्स होंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, वो उनका डेमो लेंगे।
उसके बाद फिर हम ले जाएंगे उसको इंटरव्यू विद द नवाब सर। नवाब सर यानी मेरे साथ उनकी इंटरव्यू होगी और मेरे कुछ खास लोगों के साथ उनकी इंटरव्यू होगी। उसके बाद अगर वहां से सेलेक्ट हो जाते हैं तो फाइनल डेमो होगा उनका इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये जो लास्ट के तीन स्टेजेस हैं इसके लिए कोई स्पेसिफिक डेट नहीं रखा है मैंने, लेकिन हाँ हम आपको जो कि बहुत कम लोग रहेंगे यहाँ पे इनको हम फर्दर कॉल करके इनको हम बुला लेंगे कि आपको कब आना है, किस टाइम पे आना है। ठीक है, रही बात, ये सारा प्रोसेस हम चाहेंगे कि 15 फरवरी से पहले सब हो जाए। तो सुनिए, 4 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी अराउंड 11-12 दिन के अंदर हम आपको फाइनल कर देंगे कि आप सच में 11वीं और 12वीं के लिए इमेज क्लासेस की उस कोर टीम का पार्ट बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो रही बात अब ये कि आप सर इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए नीचे मैंने गूगल फॉर्म दे रखा है, उस गूगल फॉर्म को आप भरें और सारी डिटेल को अच्छे से भरेंगे। हमारी टीम आपको कॉल करेगी, जैसे जैसे फॉर्म आता जाएगा हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आपसे एक वेरिफिकेशन जरूर लेगी कि सर आपने जो डिटेल्स भरा है वो सब सही है, और आपको बता देंगे कि स्टेज वन के लिए आपको कब आना है और कौन से सेंटर पे आना है, क्योंकि आपको पता है हमारे पास इमेज क्लास का ऑलरेडी 3 सेंटर है, तो किस सेंटर पे आना है इसका सारा डिटेल आपको उस वक्त बता दिया जाएगा। ठीक है, और यही बात है बच्चों, अगर आप ये वीडियो आप सुन रहे हो, आप लग रहा होगा कि सिर्फ टीचर के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। आपको लगता है कि आपका एक बहुत मन पसंदीदा टीचर है जो आपसे 11th 12th, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे जो मैं अराउंड 12 13 14 सालों से पढ़ा रहा हूँ, इस फील्ड में हूँ, तो बहुत सारे बच्चे को मैंने पढ़ा रखा है, उनको पता है कि नवाब सर के जो मेहनत है, नवाब सर का जो तरीका है, वो मेरा ये फेवरेट टीचर भी नवाब सर के साथ जुड़ सकता है। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को उस टीचर को भी भेजें जो इंटरेस्ट रखता हो मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री 11th एंड 12th के बच्चों को पढ़ाने में, उसको आप रिक्रूट करने के लिए उसको आप भेजें कि सर आप भी फॉर्म फिल कर दो, बड़ा अच्छा है, जो भी आपको इमेज क्लास के बारे में पता है या नवाब सर के बारे में पता हो। तो मैं उम्मीद करूंगा अपने सारे बच्चों से, जिसको भी लगता है कि अपने 11th 12th की बड़ी शानदार फैकल्टी आपके पास है, तो बिल्कुल इस वीडियो को उसको शेयर करें। टिल देन आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।